रविवार को जिले के चिल्वाताल थाना क्षेत्र के चिवटवा पुल के पास एसटीएफ की गोरखपुर इकाई ने अंबेडकर नगर के माफिया खान मुबारक गैंग के शूटर 1 लाख के इनामी परवेज को मुठभेड़ में मार गिराया है। एसटीएफ के साथ हुए मुठभेड़ के दौरान परवेज ने भी एसटीएफ टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी, लेकिन घेराबंदी कर एसटीएफ ने उसे मार गिराया। मुठभेड़ के बाद परवेज को स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि मारे गए इनामी बदमाश परवेज का एक साथी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में टीम लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ गोरखपुर यूनिट के प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि 1 लाख का इनामी बदमाश परवेज महाराजगंज की तरफ से गोरखपुर शहर की तरफ आ रहा है। वह अम्बेडकर नगर जिले के एक व्यापारी से रंगदारी मांगी है, जिसे लेने के लिए वह साथी के साथ जा रहा है। अधिकारियों को सूचना देने के बाद प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने टीम को लेकर चिवटवा पुल के पास पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दिए थे। तभी बाइक से साथी के साथ आ रहे बदमाश को टीम ने रोका तो फायरिंग कर कुदरिया बंधे की तरफ भाग निकला। पीछा करने पर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के सीने व पैर में गोली लग गई, जबकि बाइक चला रहा बदमाश फरार हो गया। गंभीर स्थिति में एसटीएफ की टीम ने परवेज को सीएससी जंगल कौड़िया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में शातिर बदमाश के ढेर होने की खबर मिलते ही मौके पर एसएसपी दिनेश कुमार पी, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी, सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए, जिसके संबंध में एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि बदमाश के पास से 32 बोर का 9mm की एक पिस्टल, 8 कारतूस, 500 रुपए और एक बैग मिला, जिसमें जरूरत के सामान है। परवेज के खिलाफ अम्बेडकर नगर जिले के बसपा नेता जुगराम मेहंदी और उनके ड्राइवर की दिन दहाड़े हत्या व अलीगंज और हंसवर में हत्या की कोशिश, रंगदारी मांगने के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये अक्सर घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल में चला जाता था। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में इनामी बदमाश परवेज को मार गिराने वाले एसटीएफ टीम को नगद राशि के अलावा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया, इसका जो अपराधी का हैंड वॉश ले लीजिए जी, और पोस्टमार्टम हो जाए। दुर्गांत अपराधी मारा गया एसटीएफ को, बड़ी सफलता है। यह अपराधी अंबेडकर नगर का रहने वाला है। यह वहां के कुख्यात अपराधी खान मुबारक का दाहिना हाथ और मुख्य शूटर है। इस पर लखनऊ जोन से 1 लाख रुपए का इनाम 7/9/2020 से, यानी लगभग एक वर्ष पूर्व से घोषित रहा है। इसने बसपा नेता जुगराम मेहंदी की हत्या की थी 2018 में, और तब से ये फरार चल रहा है। जुगराम मेहंदी खान मुबारक के खिलाफ लास्ट स्टैंडिंग विटनेस थे, यानी वो आखिरी वो व्यक्ति थे जो खान मुबारक के खिलाफ गवाही देने को तैयार थे न्यायालय में, और इसी कारण से दिन दहाड़े उनके और उनके ड्राइवर की हत्या की गई थी। और इसमें आज जो अपराधी मारा गया है, इसका मुख्य रोल था। तो परवेज के मारे जाने से खान मुबारक का गैंग कमजोर हुआ है, और साथ ही यह भी जानकारी मिली थी कि यह लगातार वसूली कर रहा था अंबेडकर नगर में छोटे मोटे व्यापारियों से, और
इसका अभी भी उतना ही आतंक था। यह इसके बारे में जानकारी थी कि नेपाल से लगातार ऑपरेट करता था। वसूली और अन्य घटनाओं को अंजाम देने के बाद नेपाल चला जाता था। सर, इस जो टीम ने जो शूट आउट किया है सर, तो क्या इनाम वगैरह या कोई विशेष प्रमोशन वगैरह की बात भी होगी सर? प्रमोशन की जो पॉलिसी थी उसको वो अब निरस्त हो चुकी है, लेकिन विभाग अच्छे काम करने वालों को हमेशा इनाम देता है, इन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो 1,00,000 रुपए इनाम इस पर घोषित था उसके अलावा भी और प्रशस्तियां इस टीम को दी जाएंगी। सर, कितने जिलों में इसका आतंक था बेसिकली? टांडा में तो ये खान मुबारक के गैंग का मुख्य शूटर था, टांडा में इसी के थ्रू खान मुबारक ऑपरेट करता था। तो और इसके आसपास के जिलों में भी इसका आतंक था, व्यापारियों से पैसा वसूलता था। जब से खान मुबारक जेल गया और इसके गैंग पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, तब से ये अंडरग्राउंड था और छिप छिप करके वसूली का और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कार्य किया करता।